दोस्तों, भारतीय दर्शनों की श्रृंखला में अब तक हम बात कर चुके हैं योग दर्शन की और सांख्य दर्शन की। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्याय दर्शन की। जिस तरह से सांख्य और योग एक समुच्चय में काम करते हैं, उसी तरह से न्याय और वैशेषिक भी समुच्चय में काम करते हैं। इन दोनों को एक दूसरे का जोड़ा यानी पूरक माना जाता है। दोस्तों, न्याय दर्शन की रचना की थी महर्षि गौतम ने। दोस्तों, गौतम का अर्थ होता है गो मैंने इंद्रियां और तम मैंने श्रेष्ठ, यानी जिसकी इंद्रियां श्रेष्ठ हो वो गौतम। गौतम को अक्षपाद भी कहा जाता है। अक्ष मैंने होता है आँख और पाद मैंने होता है पैर। जिसकी आँखें सदा पैर पर रहती हैं, इसका अर्थ ये है कि जो कदम कदम फूक फूक कर रखता है, हर कदम फूक फूक कर रखने वाला व्यक्ति गौतम कहा जा सकता है। यानी जीवन में जो भी कुछ करें उसको पूरे विवेक के साथ करें। नीर क्षीर विवेकेतु, जिस तरह से हंस पानी और दूध को अलग अलग कर देता है, उसी तरह से न्याय दर्शन वो दर्शन शास्त्र है जो चीज़ों को बड़े ही तरीके से हमें समझाने का प्रयास कर देता है, उनका बुरा और अच्छा सब अलग अलग करके हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। और इसी झांकी की वजह से, इसी दर्शन की वजह से इस दर्शन को न्याय दर्शन कहा जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर न्याय दर्शन के अनुसार चलता है, उसकी समझ के अनुसार जीवन यापन करता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता। कारण यह है, उसे संवाद की प्रक्रिया का पता लग जाता है, उसे वाद जल्प और वितंडा के अंदर फर्क और भेद समझ आ जाता है, उसे तर्क शास्त्र का ज्ञान हो जाता है। क्योंकि न्याय दर्शन को लॉजिक का, रीजनिंग का शास्त्र कहा जाता है, तर्क शास्त्र कहा जाता है। किसी व्यक्ति को कैसे बात करनी है, कैसे अपना पक्ष रखना है, कैसे लॉजिक को क्रिएट करना है और कैसे पूर्वाग्रहों से बचते हुए सही तर्क के साथ अपनी बात को मनवाना है, उसकी सिद्धि करनी है, सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। तो दोस्तों, एक व्यवहारिक दर्शन है योग दर्शन की तरह से न्याय दर्शन। क्योंकि न्याय के पथ पर चलने वाला व्यक्ति अपने तर्कों के द्वारा और अपनी समझ के द्वारा सबको अपना मुरीद बना लेता है, सबको अपने साथ जोड़ लेता है। वो वाहक भी होता है, संवाहक भी होता है, वाद विवाद कला में निपुण होने के कारण लोग उसे पसंद करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर शांति, अपने जीवन के अंदर संतोष और अपने जीवन को पूर्णता से जीना, तो न्याय दर्शन उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। आज हम इसी दर्शन के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि ये दर्शन कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, इसकी महत्ता क्या है, प्रतिपाद विषय क्या है, कितने इसके अंदर अध्याय हैं, कितने इसके अंदर सूत्र हैं। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, आप अपने जीवन में व्यक्तिगत और आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। दोस्तों, पहले बात करते हैं न्याय दर्शन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। दोस्तों, जिस दर्शन के द्वारा हमें सत्य की ओर ले जाया जाता है, सत्य से अवगत कराया जाता है, उसे न्याय दर्शन कहते हैं। और जिस दर्शन के द्वारा पदार्थों का परीक्षण किया जाता है, उसे न्याय कहते हैं। तो दोस्तों, एक ऐसा दर्शन जो आपको अपवर्ग की ओर ले जाने के लिए पदार्थों के परीक्षण से गुजारता है, उसे न्याय दर्शन कहा जाता है। न्याय दर्शन का काल क्या है? दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना आज से लगभग 2500 साल पहले की थी। वही काल जब महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन को भारत के अंदर प्रचारित कर रहे थे। दोस्तों, जैन और बौद्ध दर्शनों को नास्तिक दर्शन माना जाता है, लेकिन भारत के अंदर वेद की सत्ता को स्थापित करने के लिए, आस्तिकता को स्थापित करने के लिए हमारे ऋषियों ने बहुत काम किया था। और जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव के कारण आस्तिकता कम होने लगी, वेदों का प्रचार कम होने लगा, तो कुछ ऋषियों ने आस्तिक दर्शनों को रचना शुरू किया, जिसके अंदर महर्षि गौतम द्वारा रचित न्याय दर्शन भी शामिल है। तो न्याय दर्शन का काल वही माना जाता है जो बौद्ध दर्शन के उदय का काल माना जाता है, लगभग 2500 साल पहले। इसका उद्देश्य ये था कि जब बौद्ध दर्शन के द्वारा लोगों के अंदर, जब बौद्ध दर्शन के द्वारा वेदों की सत्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए, यज्ञों के ऊपर और बलियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए, तो सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए, वेदों के सही रूप को प्रतिष्ठित करने के लिए कुछ ऋषियों ने बीड़ा उठाया और महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की, जिससे तर्क शास्त्र के द्वारा उन सब के साथ
शास्त्रार्थ किया जा सके जो बौद्ध धर्म को भारत के अंदर फैला रहे थे। तो ये दर्शन एक तर्क शास्त्र है जिसको समझकर अपने लॉजिक को किस तरीके से रखना है, वाद के अंदर विवाद के अंदर किस तरह से दूसरे के पक्ष को पराजित करना है ये समझा जा सकता है। इसकी रचना का मुख्य उद्देश्य नास्तिक धर्मों की बढ़ती हुई लोकप्रियता को कम करना था। न्याय दर्शन के विभाग, दोस्तों न्याय दर्शन को 5 अध्यायों, 10 आहणिकों, 84 प्रकरणों और 528 सूत्रों में बांटा गया है। दोस्तों न्याय दर्शन का पहला सूत्र 16 पदार्थों के जरिए मोक्ष तक अवर्ग तक पहुंचने का रास्ता प्रशस्त करता है और हमारे लिए वो मार्ग दिखाता है जिसके जरिए हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे इन 16 पदार्थों की जिन्हें समझकर आप न्याय दर्शन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों न्याय दर्शन के ये 16 पदार्थ तत्व ज्ञान के साधन माने जाते हैं। इनमें सबसे पहला पदार्थ है प्रमाण। जी हाँ दोस्तों, न्याय दर्शन में 4 प्रमाणों को स्थान दिया गया है। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान और चौथा शब्द प्रमाण। ये 4 प्रमाणों के आधार पर जगत की सत्ता को स्थापित करता है और इन 4 प्रमाणों के आधार पर सभी ज्ञान का अर्जन करता है। दोस्तों दूसरा पदार्थ है प्रमेय। प्रमाण के द्वारा जिन तत्वों का ज्ञान होता है उन्हें प्रमेय कहा जाता है। न्याय दर्शन के अंदर 12 प्रमेय माने गए हैं। तीसरा संशय। न्याय दर्शन संशय को भी एक पदार्थ के रूप में मानता है। जब व्यक्ति 2 चीजों में भेद ना कर पाए, उसकी बुद्धि जड़ हो जाए और वो समझ ना पाए, तब संशय की स्थिति उत्पन्न होती है और तब अनुमान प्रमाण के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि ये वस्तु या व्यक्ति क्या है। चौथा पदार्थ है प्रयोजन। दोस्तों हर एक शास्त्र का एक प्रयोजन, उद्देश्य या लक्ष्य होता है। इसी तरह से न्याय शास्त्र का भी एक प्रयोजन है। उसके प्रयोजन है 2। पहला प्रयोजन है अभ्युथे, इस समाज के अंदर रहते हुए, संसार के अंदर रहते हुए भौतिक प्रगति करना, और दूसरा उद्देश्य है निश्रेयस। निश्रेयस का अर्थ है अपवर्ग, मोक्ष, आत्म साक्षात्कार। 5वां दृष्टांत। उदाहरण के जरिए अपनी बात को समझाने का जब प्रयास किया जाता है तो इसे दृष्टांत कहा जाता है। 6ठा है सिद्धांत। दोस्तों जब प्रमाण के आधार पर किसी कथन को स्वीकार किया जाता है तो इसे सिद्धांत रचना कहा जाता है। दोस्तों 7वां पदार्थ है अवयव। अनुमान में जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है उसे अवयव कहा जाता है, क्योंकि न्याय दर्शन अनुमान प्रमाण को सर्वोत्तम और सर्वोच्च प्रमाण मानता है, इसलिए अनुमान प्रमाण के अंदर जिन वाक्यों का प्रयोग है उनके लिए अलग से अवयव कहे जाते हैं। दोस्तों अनुमान भी 2 किस्म के होते हैं, स्वार्थ अनुमान और प्रार्थ अनुमान। प्रार्थ अनुमान में 5 वाक्यों का प्रयोग होता है जिन्हें पंच अवयव सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों न्याय दर्शन का ये पंच अवयव सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आपको भली भांति समझना चाहिए। इसके अंदर 5 वाक्य हैं। पहला प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनय और 5वां निगमन। दोस्तों इन 5 वाक्यों या अवयवों को एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार 4 प्रमाण होते हैं। जब हम प्रार्थ अनुमान की बात करते हैं, पहला वाक्य है, पहला अवयव है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है शब्द प्रमाण। शब्द मैंने जो ऋषि के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा कहे हुए वचन होते हैं वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। जैसे वेद शब्द प्रमाण है कि पर्वत में अग्नि, ये सिद्धांत है कि पर्वत के अंदर अग्नि है। दूसरा हेतु। हेतु का अर्थ है लिंग लिंगी के द्वारा जब अनुमान लगाया जाता है तो उसे हेतु कहा जाता है। यहाँ पर धुआं लक्षण है, यहाँ पर धुएं से हमें पता लगता है कि पर्वत में अग्नि है। तीसरा है उदाहरण। जब हम अपनी किचन के अंदर देखते हैं कि धुआं है तो आग होती है और आग है तो धुआं होता है, इसे उदाहरण कहा जाता है। और उपनय के अंदर ये सिद्धांत बन जाता है कि जहाँ पर धुआं होता है वहाँ अग्नि होती ही है। तो निगमन में ये सिद्ध हो जाता है कि जैसे शब्द प्रमाण में प्रतिज्ञा में कहा गया था कि पर्वत में अग्नि है। तो दोस्तों इस तरह से इन 5 अवयवों के जरिए और अनुमान प्रमाण के आधार पर ये सिद्ध कर देते हैं कि किसी वस्तु की सत्ता है। न्याय दर्शन के अनुसार 8वां पदार्थ है तर्क। जब अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है उन्हें तर्क कहा जाता है। और 9वां पदार्थ है निर्णय। तत्व ज्ञान प्रमाणों का फल होता है। प्रमाणों के जरिए ही हम तत्व ज्ञान तक पहुंच सकते हैं, उसे ही प्रमाणों का निर्णय कहा जाता है। और 10वां पदार्थ है वाद। दोस्तों जब किसी विषय को जानने समझने के लिए हम बात
प्रारंभ करते हैं दो लोगों के बीच में या ज़्यादा लोगों के बीच में, तो उसे वाद कहा जाता है। वाद के अंदर किसी भी तरह का गलत तर्क प्रस्तुत नहीं किया जाता है। वाद के अंदर एक दूसरे के प्रति आदर का भाव होता है, जैसे गुरु शिष्य के बीच में विचार विनिमय, यहाँ पर तर्कों का, सुतर्कों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों 11वां पदार्थ है जल्प। जल्प के अंदर अपने अपने तर्कों द्वारा अपने विचार को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। इसके अंदर कुतर्कों का भी सहारा लिया जाता है। साम दाम दंड भेद से अपनी बात को सिद्ध करना है, यही जल्प का उद्देश्य होता है। 12वां पदार्थ है वितंडा। दोस्तों जब अपने पास कहने को कुछ नहीं होता, अपनी कोई हमारी बात नहीं होती, दूसरे की बात पे अड़ंगा लगाना ही हमारा उद्देश्य होता है और दूसरे की बात को किसी भी तरह से काट कर प्रतिषेध किया जाता है, उसे वितंडा कहा जाता है। 13वां पदार्थ है हेतवाभास। जब दोषपूर्ण हेतु का इस्तेमाल किया जाता है तो इसे हेतवाभास कहा जाता है। 14वां पदार्थ है छल। जब अर्थ को अनर्थ में परिवर्तित करने के लिए तर्क दिए जाते हैं तो उसे छल कहा जाता है। 15वां है जाति। जब किसी भी बात का मिथ्या उत्तर दिया जाता है, गलत ढंग से बात को प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे जाति कहा जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार 24 जातियां मानी गई हैं। और 16वां पदार्थ है निग्रह स्थान। दोस्तों जिस कारण से वाद विवाद जल वितंडा के अंदर व्यक्ति की हार होती है, उस कारण को निग्रह स्थान कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से न्याय दर्शन के 16 पदार्थ व्यक्ति की बुद्धि को नीर क्षीर विवेकी बुद्धि बना देते हैं, जिससे व्यक्ति ये जानने में समर्थ हो जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, किस बात पे चलकर वो अपना अभ्युदय भी कर सकता है और निःश्रेष को भी प्राप्त कर सकता है, यानी अपवर्ग मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। बहुत ही शानदार दर्शन है। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन के अंदर व्यक्तिगत और आध्यात्मिक उन्नति, तो आपको ये दर्शन अवश्य पढ़ना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस दर्शन की ये समरी अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है ये औरों के लिए भी लाभदायक हो सकती है और उनके अंदर आध्यात्मिक जागरूकता पैदा कर सकती है, तो इसे शेयर अवश्य कर दें और एक लाइक तो बनता ही है, वीडियो को लाइक भी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।